आज आपको वर्ल्ड के एक ऐसे कॉम्प्लेक्स गेम के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो देखने में काफ़ी आसान लगता है लेकिन आसान है नहीं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये गेम और काफ़ी फास्ट माना जाता है। इसी पे पूरी स्टोरी होने वाली है, आप बने रहिए लोकल 18 पर। मेरा नाम अंकित कुमार है। टेबल टेनिस इतना कॉम्प्लेक्स गेम है कि हम लोग वाइट टी शर्ट पहन के भी नहीं खेल सकते हैं क्योंकि वो बॉल और टी शर्ट का कलर सेम हो जाएगा और ये हम लोग का ITTF से ये अप्रूव्ड है कि वाइट टी शर्ट पहन के नहीं खेल सकते क्योंकि हमारा ये फोकस प्लेयर का अपोनेंट का फोकस बिगड़ जाता है, इसीलिए हम लोग टेबल टेनिस में वाइट टी शर्ट का यूज़ नहीं कर सकते। इतना कॉम्प्लेक्स गेम है। मैं करीबन 9 साल से खेल रहा हूँ टेबल टेनिस और 9 साल में 9 बार नेशनल्स खेला हूँ। बिहार रैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमेशा रहता है। अभी करेंटली मेरा मेंस रैंक 9 है। टेबल टेनिस आपके आई एंड कोऑर्डिनेशन और उसको पढ़ाई को भी रिलेट किया जाए उससे तो हम लोग में बहुत इसमें फोकस बढ़ जाता है पढ़ाई करने से। हम लोग का ये खेल खेलते तो हम लोग का फोकस बहुत बढ़ जाता है पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट होता है हम लोग के। तो ये जो मतलब आपके पास हाथ में है इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा रैकेट है। ये रैकेट है। ये बाकी रैकेट से ये प्रोफेशनल रैकेट अलग है क्योंकि इसमें हमारा ब्लेड अलग आता है, रबर अलग आता है। इसमें ये खासियत है कि हमारा रबर का स्पीड स्पिन और कंट्रोल ब्लैक और रेड है हमारा ये। हाँ, तो इसमें ब्लैक वाले से मारने का अलग फंक्शन होता है और रेड से अलग। हाँ, ये अलग होता है। रबर अलग अलग रबर के अलग अलग डिफरेंसेस है। किसी रबर में ज़्यादा स्पीड है तो किसी रबर में ज़्यादा स्पिन है। किसमें है? जैसे ब्लैक और रेड। ब्लैक जैसे हमारा ब्लैक में स्लो रबर है क्योंकि हम उसको डिफेंस कर सकते हैं और फॉरहैंड हमारा स्ट्रोक वाला गेम है। ये फॉरहैंड इसमें पावर ज़्यादा स्पिन ज़्यादा है तो हम लोग फॉरहैंड में यूज़ करते हैं ज़्यादा स्पीड स्पिन वाले रबर। ब्लैक वाला आपको मिली जो है डिफेंस करने के लिए? ज़रूरी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपको कैसे सेटअप करना है। ये सेटअप कर सकते हैं आप। हमारा बॉल है ये 40 mm का बॉल होता है। प्लास्टिक सेलुलॉइड का बॉल होता है। हमारे दो सर्व होते हैं, अपोनेंट के दो सर्व होते हैं। दो सर्व हम लोग लगातार करते हैं। दो सर्व करने के बाद फिर अपोनेंट की सर्व आती है। दो सर्व लगातार वो करेंगे उसी की तरह वैसे चलते रहेगा और 11 पॉइंट तक मैच। जो जल्दी 11 पॉइंट निकालेगा वो एक सेट जीतेगा। इसी तरह से हम लोग बेस्ट ऑफ 5 का मैच होता है। लगातार 3 मैच जीतना है जिसपे हम लोग को 5 में से 3 मैच जीतना है, हम लोग विन कर जाएंगे। मेरा नाम ऋषि कुमार है। मैं टेबल टेनिस क्लास 5th स्टार्ट किया था। 9 ईयर्स हो चुका है टेबल टेनिस खेलते। 9 साल से। स्टेट 2 साल में 2 साल लगातार इंटर स्कूल स्टेट से मैं रह चुका हूँ। तो एक टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फिटनेस और कॉम्प्लिकेशन है और माइंड हैंड आई सारे कोऑर्डिनेशन एक साथ लगते हैं। तो ये गेम देखने में जितना सरल लगता है उतना गेम सरल है नहीं। और जैसे जैसे हम इस गेम के आगे बढ़ते जाते हैं, आगे हायर लेवल पे जाते हैं, उतना कंपटीशन बढ़ने का रीज़न होता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा होना चाहिए। और इस गेम में जैसे पहले तो 21 पॉइंट्स का मैच होता था, अब उसको गेम इतना ज़्यादा फास्ट और इतना लंबा होने लग गया है कि इसको इवन ओलंपिक में भी ये लोग 11 पॉइंट्स पे कर दिए हैं। तो बेस्ट ऑफ 5 होता है फाइनल और अदरवाइज जो जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल मैच होते हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग बेस्ट ऑफ 3 खेलते हैं और 11 पॉइंट्स में। और ये गेम आज पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, टॉप 5 में आ गया है ये। स्पेशली जब से मनिका बात्रा और भी बहुत सारे प्लेयर्स अब आने लगे हैं इसमें। देखिए, तो टेबल टेनिस के बारे में जैसा हमने बताया कि काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स गेम है और काफ़ी फास्ट गेम है। अमूमन देखा जाता है कि लोग किसी भी खेल को जो खेलते हैं तो फोकस्ड होते हैं लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फोकस की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं और लगातार उनका जो पूरा फोकस है वो बॉल पे बना हुआ है और साथ में यहाँ पे हैंड आई और बॉडी का कोऑर्डिनेशन गजब का होना चाहिए तभी आप एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी बन सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये टेबल टेनिस का पूरा गेम है, किस तरह से ये टेबल टेनिस काम करता है और किस तरह से खेला जाता है। तो अगर आप भी खेलना चाहते हैं, टेबल टेनिस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। आप देख रहे थे लोकल 18। लोकल 18 के लिए पटना से उद्धव कृष्ण की रिपोर्ट।